आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। समता मूलक समाज जो कांशीराम जी कहा करते थे, ये कहां से आता है? ये सारा बेगमपुरा, प्रेम नगर या प्रबुद्ध भारत का, ये देश की स्टोरी बदलना है हमको। ये देश की स्टोरी बदलने के लिए मायावती बहन जी ने काम किया, और इतने बड़े बड़े जो उन्होंने स्मरण देने वाले, हमारे याद दिलाने वाले हमारे महापुरुषों के बड़े बड़े बनाए, उसके खिलाफ पूरा मीडिया भिड़ गया था कि मालूम है कि वो सांस्कृतिक, एक सांस्कृतिक चैलेंज इस देश के सामने रखना चाहती है, और रख दिया। और उसके बाद वही चैलेंज जो फूले अम्बेडकर के लोग, वो बाबा साहब का जो पुतला तुम देखना चाहिए महाराष्ट्र सदर में जाके, यहाँ वहाँ महात्मा फूले है, वहाँ कबीर है, वहाँ बाबा साहब है, वहाँ सावित्री बाई है, वहाँ अहिल्या बाई है, उन्होंने जैसा ही दिल्ली के छाती पर लगा दिया, उनको जेल में डाल दिया। 2.5 साल वो जेल में रहे, उनको बोला कि आप भ्रष्टाचार में लिप्त है, लेकिन उसने नहीं। जैसा ही वो आरएसएस का लोग आया महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के अंदर हर जगह गणपति बैठा गए, जिसका कोई मां नहीं, बाप नहीं, कुछ नहीं। इस तरह से हमारे नेताओं को, हमारे आदर्शों को, हमारे महापुरुषों को उन्होंने ब्राह्मणाइज करने की कोशिश की। देखो रविदास जी का फोटो देखा हुआ आपने, वो ऐसा लंबा विष्णु का टिल्ला लगा दिया, किसने लगाया? हमारे सावित्री बाई को, हमारे हमारे नामदेव को, हमारे तुकाराम को इस तरह से ब्राह्मणाइज करना शुरू कर दिया, और आज तक हम कुछ बोल नहीं पाए। ये लड़ाई सांस्कृतिक लड़ाई है, ये लड़ाई आध्यात्मिक लड़ाई है। और रविदास जी ने बोला था कि ऐसे जगह जाना, और एक ईश्वर की बात की तो, अब यहाँ ईश्वर की बात करना तो बड़ा मुश्किल। वो कहते प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, एक प्रभु के निर्गुण की भक्ति करते हुए प्रभु के सामने लीन होते और सपना देखते हैं, और जो प्रभु से प्रेम करते हैं, जो सत्य से प्रेम करते हैं, वो सपना देखते हैं, और जो सपना नहीं देखते हैं वो ना प्रभु से प्रेम करते हैं ना इंसान से प्रेम करते, वो अपनी जाति बताना चाहते हैं। तो इस तरीके मेरे प्यारे भाइयों, हम जो देखते हैं इस देश के अंदर में, इन जिन्होंने हमको एक आदर्श दिया था, जिन्होंने सपना दिया था, उस स्टोरी को लाने के लिए उसके अंदर में प्रभु का राज, बलि का राज, प्रबुद्ध भारत, बेगमपुरा, प्रेमनगर, समतामूलक समाज और साचखंड, इन सब की बात एक ही है, और सब एक ही चाहते थे, लेकिन ये सब मिलकर भी अभी तक ब्राह्मणवाद के नहीं निपटा सके, क्योंकि उसका समाज इधर तो बाबा साहब जय भी बोलता है, उधर जाकर मंदिर में पूजा करता है, इधर बाबा साहब का जय जयकार करते फूले का घर में गणपति बिठाता है, डबल स्टैंडर्ड का भी चलेगा। बाबा फूले ने डबल स्टैंडर्ड नहीं किया, बाबा अम्बेडकर ने डबल स्टैंडर्ड नहीं किया, और हमारे लोग, बड़े बड़े प्रबुद्ध लोग भी इस डबल स्टैंडर्ड पर लगे। इसलिए इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए आज का जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिसके अंदर वी आर थिंकिंग ऑफ हैविंग द बिग मेटा स्टोरी फॉर दिस नेशन, एंड वी दैट इज द फाउंडेशन दैट वी आर गोइंग टू वर्क ऑन। ऐसे फाउंडेशन डालकर भैया जी, ना मनोज तुमने जो इतना अच्छा काम किया है, यही सही है, इन्होंने अच्छा बोला, फाउंडेशन डाल रहे हैं। इस फाउंडेशन के पत्थर कौन कौन होंगे, इस फाउंडेशन का कॉर्नरस्टोन कौन होगा, और इस बिल्डिंग का पिकल कौन होगा, ये देखना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको बहुत तहे दिल से बधाई देता हूँ। और फिर एक बार उसने कहता है कि वही शैलेंद्र कि बोले आने वाले कैसा हो गया, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरे मुट्ठी में क्या है, तो बोलते हैं सबके सर पे ताज होगा, सबके सर में प्यार होगा। वैसी दुनिया को बताना बसाने के लिए हमारे पुरखाओं ने जो फाउंडेशन डाला है उसके ऊपर बिल्डिंग चढ़ाने के लिए हमको आगे काम करना है। आज हमको बुलाकर बलिराज की बात, गॉस्पल की बात, किंगडम ऑफ गॉड की बात, साचखंड की बात, तुम देखो सारे के सारे हमारे जो पुरखा लोग, उनका सपना एक है, और सपना बहुत बड़ा है। विश्व गुरु का बनने का नहीं, सारा विश्व अपना नहीं सपना है। ये विश्व गुरु बनाने की जो कल्पना है ना, ये ब्राह्मण की है। जो गुरु होता है ऊंचा पानी ना टिके, नीचे ही ठहरा है, नीचा हो सो भर पिए ऊंचा पास आ जाए। नम्रता सिखाने वाली, प्रेम सिखाने वाली, समतामूलक समाज सिखाने वाली, जाति भेद मिटाने वाली और भेदभाव को खत्म करने वाली
ऐसी दुनिया को बसाने के लिए हमको बुलाया है। इसी बात को साथ में ही बंद करता हूँ। जय ज्योति, जय गुरु देवराज।